बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 1.4 है, लास्ट एक्सरसाइज हमारे चैप्टर की, अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। इसमें वही आपको पता है कि ये हमारा रेडिकल फॉर्मेट में है दोनों साइडों पे, ठीक है। तो हम स्क्वेयरिंग करते हैं और स्क्वेयरिंग करने का आपको तरीकाकार आता है। तो ये देखिए, मैं इसको डायरेक्टली अब स्क्वायर खोल रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन है तो नेगेटिव 2 टाइम्स 2 फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या है, ये वाली टर्म है 4a प्लस x इन टू सेकेंड टर्म, कौन सी है सेकेंड टर्म, ये है a माइनस x और बाद में प्लस a माइनस x के रूट का स्क्वायर, और राइट साइड पे सिर्फ इसका स्क्वायर होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, आसान है ये, ठीक है। और अब बात देखिए, नेगेटिव साइन तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस, बकाया सारे प्लस होते हैं। ये स्क्वायर कट गया तो वी गॉट 4a प्लस x माइनस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनको इकट्ठा किया जा सकता है। पहले मैं आपको इकट्ठा करके दिखाता हूँ, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट कटा तो a माइनस x, यहाँ पे सिर्फ a बचा। अब आप देखते हैं कि ये a जो है ये इस a से कैंसिल हो रहा है, जबकि ये जो x है इस x से कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या, यहां से बच गया 4a, जबकि ये पूरी वैल्यू नेगेटिव के साथ उधर शिफ्ट हो गई, तो ये बन गई पॉजिटिव। यूं तो मैं भी इसको सॉल्व नहीं कर रहा ताकि गलती ना हो हमसे। तो यहां पे देखें तो इस 2 को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं ऐसे इसको दिखा रहा हूं आपको, यहां इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं रूट के अंदर। तो 4a into a, we got a 4a square, 4a into x minus 4ax x times 2a, अच्छा x times 2a x से भी सकते हैं और ax भी, दोनों करेक्ट हैं, तो इसलिए मैं इसको ऑर्डर में लिख रहा हूं ax, और x times 2x आपको पता है x square होता है। ये कैंसिल हो गया, यहां आ गया 2a और इस तरफ मेरे पास, अब मैं यहां से देखा जाए तो 4a square और ये दो टर्म्स minus 3ax और यहां से x square आ गया। अब मैं आप इसका एक ही वे है रूट खत्म करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड वंस अगेन। तो जब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा, ये देखिए ऐसे 4a स्क्वायर, मैं टाइम बचा रहा हूं आपका, और इसकी स्क्वायरिंग करने से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax और माइनस x स्क्वायर। मैंने टाइम बचाया है कि इसका स्क्वायर करने से रूट खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर। तो अब फिर ये ऐसे कैंसिल हो गए, यहाँ पे 0 आ गया, इधर नेगेटिव 3ax है और माइनस x स्क्वायर है। अब आप देखें तो आप नेगेटिव और x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 3a पॉजिटिव बचेगा, यहाँ से x बचेगा, इक्वल टू 0 यहाँ लिखा। अब आपको या यहां लिख लें या यहां, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कहेंगे या ये पहला वाला पार्ट इक्वल टू 0 है, या हम कहेंगे सेकंड वाला पार्ट इक्वल टू 0 है। इसको यहां पर नेगेटिव 1 है, जब 0 से डिवाइड होता है यू तो इससे आंसर 0 आता है, आपको पता है, इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा, ठीक है। अब इसको उधर शिफ्ट कर लें तो x इज इक्वल टू नेगेटिव 3a, तो ये हमारा आंसर निकल आया, यहां से 2 आंसर निकले हमारे जी। अब दोनों को हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने का देख लेते हैं, चेकिंग चेक कह लेते हैं, चेक का वर्ड या वेरीफाई का वर्ड। तो हम चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 रिप्लेस कर दें थ्रू आउट हर जगह पे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो 4a प्लस 0 और माइनस a माइनस 0 इज इक्वल टू रूट a, ये देखे जे देखा जाए तो ये रूट a, 4a ही बच रहा है, ठीक है, और माइनस रूट ए और यहां से रूट ए। अब यहां पे आपको ये असल में रूट, ये जो रूट 4 है ना, इसको हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं यू, ठीक है, और ये अलाउड है, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर 2 रूट ए आ गया माइनस रूट ए और इज इक्वल टू रूट ए, तो इनको माइनस करें 2, ये 2 रूट ए है, ये 1 रूट ए, यहाँ 1 नजर नहीं आपको आ रहा है, तो रूट ए इज इक्वल टू रूट ए, तो हमारा वेरीफाइड हो गया कि ये आंसर हमारा वेरीफाइड है। चेक कर लेते हैं सेकेंड आंसर को, क्या ये हमारा आंसर पॉसिबल है, x इज इक्वल टू माइनस 3a, तो देख लेते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं जो 4a माइनस 3a, यहां आ गया 1 और उसके साथ ही a माइनस और ये माइनस वहां जाएगा, तो यू यू हो जाएगा, और इधर क्या है a है, तो इसमें 4a माइनस 3a सिंगल a का रूट आ जाएगा, और यहां पे
तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस, तो ये बन जाएगा 4a और 4a। आप देखते हैं बिल्कुल उसी तरह पहले जिस हमने किया था कि ये रूट फोर अकेला और रूट ए अकेला, इसका आ गया रूट ए, यहां से आ गया टू रूट ए इज इक्वल टू रूट ए। बट आपको पता है कि ये बड़ा वैल्यू नेगेटिव पर नेगेटिव में आंसर आता है जो कि बराबर नहीं है, यानी ये वेरीफाइड नहीं है। तो हमारा सोल्यूशन क्या बना, हमारा जो सोल्यूशन बना है वो है जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा आंसर है और दूसरा वाला पार्ट हमारा आंसर नहीं है। जी बच्चों, ये लास्ट कैटेगरी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसमें देखिए कि इसमें आपको ये देखिए कुछ मैच करता दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मैच करता है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर जो मैच कर रहा हो उसको आप कुछ भी रख ले, चले के रख देते हैं, वाई रख देते हैं। तो जब इसको प्लेस किया तो ये बन गया के और प्लस वन विद रूट नेगेटिव साइन, और ये दोनों फिर वही मैच कर रहे हैं, तो यहाँ पे के और माइनस वन स्क्वायर रूट इक्वल टू वन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सेकंड कैटेगरी क्वेश्चन बन गया है, तो इसमें हम क्या करें, स्क्वायरिंग करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। हालांकि इसको उधर ले जा सकते हैं, ना भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और आगे आपको आता है, फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूं ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। और देखते हैं क्या बनता है। अब इसमें पहले टर्म का स्क्वायर, और वो आपको पता है कि k प्लस वन होल स्क्वायर नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, आपको पता ही है, अगर प्लस हो तो प्लस आता है, नेगेटिव नेगेटिव आता है। तो ये स्टेप तो आ, और उसके बाद प्लस इसका स्क्वायर लेंगे हम, k माइनस वन का स्क्वायर इसका, और वन का स्क्वायर वन ही होता है, ये स्क्वायर रूट कटा तो k प्लस वन आ गया, और नेगेटिव टू इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं और जब करेंगे तो एक्स के प्लस वन और के माइनस वन, और यहाँ रूट कट गया तो के माइनस वन इक्वल्स टू वन, जबकि ये वन इस वन से कैंसिल हो गया। और अब देखते ये हैं कि ये के और ये के बन गए दो के टू के, यहाँ से माइनस वन और इस पूरे को मैं उधर शिफ्ट कर गया, यानी कि ये शिकल बनी, और अंदर k प्लस वन टाइम्स टू k माइनस वन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आसान लगा है, अब मुझे इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर मैं स्क्वायरिंग करूँगा। तो 2k माइनस वन इक्वल्स टू इस रूट के अंदर क्या आएगा, k k इंटू k k स्क्वायर माइनस k प्लस k एंड माइनस वन, ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है, ये वाली बनी सिचुएशन। अब मैं फिर एक ही हल है, स्क्वायरिंग किया जाए तो बात बनेगी, फिर दोबारा स्क्वायरिंग करते हैं तो लेफ्ट साइड पे तो 2k माइनस 1 का स्क्वायर है और राइट पे 2 टाइम्स 2k स्क्वायर माइनस 1 रूट का स्क्वायर है। यहाँ फिर हम वही काम करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इनटू फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 का 4 बना देगा, इसका रूट कैंसिल आ गया, तो कुछ सिचुएशन ये बन जाएगी। और ये आगे देखते हैं कि इसके बाद हम कैसे मूव करेंगे हम, इस 2 का स्क्वायर 4 है और यहाँ पे k स्क्वायर 2 टू द 4 मतलब 4k और प्लस 1 उधर 4 इनटू k 4k स्क्वायर और माइनस 4 और ये से कैंसिल हो रहा है, तो माइनस 4k और इसको उधर ले शिफ्ट कर ले तो माइनस 4 माइनस 1 तो माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 5, ये डिवाइड हो गया तो k का जो वैल्यू निकल रही है तो माइनस 5 अपॉन माइनस 4 और k की वैल्यू 5 अपॉन 4 है। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं कतन नहीं, इसको आपने वहां रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करते हैं देखते हैं क्या बनता है। जी बच्चों, ये टाइम की किल्लत के बायस मैंने खुद ही सॉल्व कर लिया है और मुश्किल नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैंने ये 5/4 को यहाँ इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया तो सिचुएशन ये बनी, अब ये 4 वहां मल्टीप्लाई करेगा तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू एक्स, इस तरह ये बना, 5 को इधर शिफ्ट कर लिया माइनस हो गया, ए 4 है बी 4 है सी 5 नहीं कहना माइनस 5 कहना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता है माइनस बी प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर, ये बी और माइनस 4 ए आपका 4 है सी आपका माइनस 5 बाई 2 है। इसको जब मैं टाइप करूंगा ना सिर्फ रूट वाले पार्ट को तो 4 रूट 6 आएगा, फिर 4 4 कॉमन निकल रहा है और सिचुएशन ये, और 4 2 जर 8 और ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ लग गई है, और आपका जो होमवर्क है मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ।
जी आपका जो होमवर्क है बच्चों वो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 है। असल में 7, 8 मैंने आप सब पहले अटेम्प्ट कर लिया है, 9 आपके सामने है, इसको री अटेम्प्ट करना है और 10 नंबर और 11 नंबर आपने फर्स्ट टाइम खुद ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में खुद करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ट्राई करके देखें, अगर नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं हेल्प करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।